मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको एक पेंसिल शेडिंग एक्टिविटी मैंने पहले भी कराई है, आज आपको फिर से एक नई पेंसिल शेडिंग एक्टिविटी करा रही हूँ। आपको कॉर्नर में ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे और उसी का बिग जो साइज है वो ये बना हुआ है। आपने ऐसे ही ये यहाँ पर बनाना है, आपने ये नहीं बनाना है, आपने इसको बनाना है। मैं यहाँ पर ये हिंट के लिए दिया हुआ है और इसको आपने इसी तरह से शेड करके सेंड करना है। देखिए इसमें शेड किस तरह से किया जाता है, हल्की हल्की पेंसिल से आपने इसको करना है। पेंसिल जैसे आपने ली और उसको हल्का हल्का शेड, देखिए इस तरीके से ऐसे 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 हल्का हल्का आपने उसको शेड देना है। इस तरह से हल्के हाथ से पेंसिल आप लेंगे तो आपका वही शेड आपका बहुत ही हल्के हाथ से, जिससे कि पेंसिल की लाइन ना पड़े लेकिन केवल एक शेड हमको तैयार मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से भी, और लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, कॉर्नर से हम ऐसे नीचे से ऊपर को ले जाएंगे उसको। और इस तरीके से आपने हल्के हाथों से दूसरी साइड से जहाँ आपने लाइन ड्रॉ की है उस बाउंड्री लाइन से, इस तरीके से आपने उसको उसके साथ इधर वाली शेड के साथ मिलाते हुए जाना है और ये आपके बढ़िया सा ट्री इस तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी इस तरीके से जहाँ बना लेंगे जब पिक्चर, ऐसे आपने उसको करना है। और जब आप ऐसे करेंगे तो ये आपका बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिक्चर में बना हुआ है, हल्के हाथ से पेंसिल को बिल्कुल लिटा के रखेंगे और उसकी जो लेड है उससे आपका शेड आएगा। यहाँ पे तैयार होके आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, हाँ इस तरीके से आपका शेड तैयार होके मैं बना रही हूँ आपको, देखिए। और इस तरीके से ये शेड मेरा ये तैयार हो गया, बिल्कुल वैसे ही आया है ना। तो ऐसे ही आपने भी करना है, देखिए इस पिक्चर को देखिए, इसमें भी वही शेड आया, इसमें बोट में इस तरीके से, तो जिस तरीके से इसमें शेडिंग हो रखी है वैसे ही आपने पेंसिल को आपने लिटा कर रखना है। मैं बता रही हूँ आपको, पेंसिल का ध्यान रखिएगा कि पेंसिल को आपने कैसे करते हैं शेडिंग, लिटा करके रखते हैं। और इस तरह से जब आप लिटाएंगे तो जहाँ कॉर्नर हो कॉर्नर से वापस लीजिए और इस तरीके से उसको उसके साथ शेड के साथ मिलाते हुए जाइए, तो आपकी बिल्कुल वैसे ही शेडिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से मुझे सेंड करना है, बहुत इजी है, नॉट सो टफ, और बनाइए इसको और मुझको सेंड कीजिए। थैंक यू।